गाइस, दिस इज हर्षिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल हर्षिता। आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो जो कि फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन पे है उसको देखा होगा। इन केस आपने नहीं देखा है तो आप उसे आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने ये बताया कि आप फ्रिज के कैबिनेट्स को, उसके साइड्स को, उसके फ्रीजर सेक्शन को एज वेल एज फ्रिज के साइड्स को किस तरीके से और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और थोड़ा मोटा सा डेकोर भी कर सकते हैं। So please go and watch that video and you'll love it for sure. So आज इस वीडियो में मैं आपको 5 Amazon products के बारे में बताने वाली हूँ जो मैंने recently खरीदे हैं and I really believe कि वो सिर्फ फ्रिज जो होती है ना थोड़ी सी और ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगती है and plus उसमें बहुत ही अच्छा सा neat and clean look भी आ जाता है। And yes, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज वीडियो के एंड में मैं कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ। एंड यस, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज मैं ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के या फिर होम डेकोर के वीडियोस लाती रहूँगी। एंड यस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस ग्लास बॉटल। ये बॉटल आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी है। एक तो ये बहुत ही स्टर्डी है, ये ग्लास की है। सो यू नो, प्लास्टिक बॉटल्स की तरह इसमें केमिकल रिएक्शंस भी नहीं होते अगर आप कोई सामान रखोगे। एंड इसके साथ जो ये कैप है ये भी स्टील की कैप है तो ये इसका ओवरऑल लुक भी बहुत अच्छा करते हैं। इसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, लाइक अगर आपको बटर मिल्क स्टोर करना हुआ या फिर कुछ जूसेस बना करके रखने हुए वो चीज़ों को आप इनमें रख सकते हो। तो इसके लुक भी अच्छा है, प्लस ये आई थिंक प्लास्टिक बॉटल्स की तरह नहीं है तो इसमें सामान जो आप रखोगे वो भी ज़्यादा चलेगा। सो मूविंग ऑन टू अवर सेकेंड प्रोडक्ट इज दिस प्लास्टिक कंटेनर्स। आई रियली लाइक दीज प्लास्टिक कंटेनर्स। इनमें यहाँ पे ना हैंडल्स है तो अगर आपको फ्रिज में कुछ सामान निकालना होगा वो भी ईजी होगा। तो आप इसमें टमाटोज रख सकते हो या फिर कोई फ्रूट्स होते हैं वो रख सकते हो, तो ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। इसके मैंने 2 सेट लिए थे। इसके साथ ही मैंने एक और कुछ कंटेनर लिया था कि थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप देखो इसमें ना 3 सेक्शंस हैं, लाइक दीज सेक्शंस, तो आप इसमें कुछ अलग से आइटम रख सकते हो, लाइक आपका जो भी नींबू हो गया या फिर ऐसे ग्रीन चिलीज हो गई, अदरक हो गई, ऐसे कुछ आइटम्स आप इसमें रख सकते हैं। तो ये एक तो सेग्रीगेटेड रहते हैं, प्लस ये एक ही बॉक्स है एंड इसके साथ ये हैंडल भी है एंड इसका कलर भी ओवरऑल बहुत अच्छा है। ये ट्रांजी है तो मतलब ना ये दिख जाते हैं कि आपको क्या रखा है इसमें। सो मूविंग ऑन टू अवर थर्ड आइटम इज दीज ग्लास जार्स। इनके भी 3 के सेट हैं जो मैंने लिए हैं। इसमें आप कोई भी ऐसा आइटम रख सकते हो जो आपने ऑलरेडी बनाया है, जैसे आप चटनीज रख सकते हो, कुछ अगर आपको गार्लिक हुआ वो आप विनेगर में डाल करके रख सकते हो। तो इसमें अगेन केमिकल रिएक्शन नहीं होगा आपका फूड के साथ एंड ये स्टर्डी भी है। तो ये ऑब्वियसली इट्स अ बेटर चॉइस दैन अ प्लास्टिक कंटेनर विच यू ऑलरेडी हैव। मूविंग ऑन टू दिस फोर्थ प्रोडक्ट इज दिस एग कंटेनर। एक तो ये बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो ये प्रॉपर यू नो ट्रांसपेरेंट है तो आपको दिख भी रहे हैं कि कितने एग्स एक्चुअली में बचे हैं आपके पास। इसके साथ ही ये हैंडल्स भी हैं तो उसको लिफ्ट करना भी फ्रिज में ईजी होता है, प्लस ये थोड़ा सा हाइजीनिक भी होते हैं एंड आप जो भी एग्स रखोगे उसकी मतलब कोई स्मेल वगैरह भी नहीं आएगी तो क्रैक भी नहीं होंगे। तो आई रियली बिलीव कि ये बास्केट अगर आप एग्स कंज्यूम करते हो तो इट्स अ मस्ट हैव प्रोडक्ट इन योर फ्रिज। एंड द लास्ट प्रोडक्ट आई हैव इज दीज शेल्फ लाइनर्स। ये आप देख सकते हैं यू नो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट है तो एक तो अगर आपने इसको रखा है तो जो लाइट होती है वो भी नीचे वाली शेल्फ में पास होगी। अगर आपने मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन वाला वीडियो देख रखा है तो उससे मैंने कुछ ब्लू शेल्फ लाइनर यूज़ किए थे, बट विद टाइम आई रियलाइज्ड कि उससे थोड़ा सा डार्क लुक आ जाता है एंड यू नो हर शेल्फ की मतलब अंदर के प्रोडक्ट्स मुझे दिखते नहीं है कि मैं अगर ऊपर वाली शेल्फ से चाहूँ कि नीचे शेल्फ में क्या रखा तो मुझे वो नहीं दिखेगा। तो आई रियली होप कि ये ज़्यादा अच्छे हैं बिकॉज इनके ट्रांजी होने की वजह से जो लाइट होती है वो भी आराम से चली जाती है एंड ये भी एक अच्छा लग देते हैं। सो गाइज, इन प्रोडक्ट्स को मैं फटाफट से फ्रिज में रखती हूँ एंड आई विल शो यू कि फ्रिज में रखने के बाद कैसे लगते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ये मैट्स यूज़ किए हैं, ये ट्रांसपेरेंट है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा उसे मैंने ब्लू मैट्स यूज़ की थी, उससे ना थोड़ी सी विजिबिलिटी इसकी कम थी, बट अभी क्या है कि बिकॉज ऑफ इनका ट्रांसपेरेंट कलर
पूरे ये सारे कंपार्टमेंट्स बहुत ही ईजिली विजिबल हैं एंड इनको क्लीन करना भी काफ़ी ईजी रहता है। यहाँ पर देखो ये एग्स कितने ईजिली रखे हुए हैं, इनको ना बहुत ही ईजी होता है निकालना एंड इनके हैंडल्स की वजह से आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो। तो इस तरीके का आप कुछ कंटेनर ले सकते हो जिसमें एग्स ब्रेक भी नहीं होंगे, ये स्टडी भी है अपने आप में एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा हाइजीन भी मेंटेन रहता है। एज यू कैन सी ये कंटेनर्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनको पुल आउट करना भी बहुत ईजी है बिकॉज ऑफ दीज हैंडल्स एंड इसमें एक साथ ही ये तीनों चीज़ें स्टोर हो गई हैं जो हमें डेली पर्पज़ में ज़रूरत होती है। तो आई रियली लव दीज काइंड ऑफ कंटेनर्स एंड सिमिलरली मैंने एक ऐसा सेम कंटेनर फ्रूट्स के लिए स्टोर किया है जिसमें काफ़ी अमाउंट के फ्रूट्स भी आ जाते हैं, तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है। मतलब आप यू कैन गो फॉर दीज ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स इंस्टेड ऑफ यू नो कलर्ड बास्केट्स। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पर एक कंटेनर्स यूज़ किए हैं, ये कंटेनर्स भी बहुत ही प्यारे हैं जो कि ट्रियो के हैं एंड ये ग्लास के कंटेनर्स हैं, तो अगर आप इसमें कोई भी आइटम रखते हो तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये कुछ आम की चटनी रख रखी है एंड ये लुक वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं। एंड सिमिलरली मैंने इस तरीके के कंटेनर में कुछ गार्लिक्स स्टोर करके रखे हैं। आई हैव मेड श्योर कि इन गार्लिक्स में जब मैं रख रही हूँ तो इनमें पानी एंड विनेगर दोनों चीज़ें ऐड करके रखूँ। इससे क्या होता है ना, इन गार्लिक्स की लाइफ भी बहुत बढ़ जाती है एंड यू कैन यूज़ देम फॉर एटलीस्ट 2 weeks। एज यू कैन सी मैंने इस टाइप के कुछ बॉटल्स यूज़ कर रखे हैं, इसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। लाइक आप कोई फ्रूट जूस बना करके रख सकते हैं, कुछ नारियल पानी रख सकते हैं। अभी मैंने इसमें कुछ नींबू पानी रख रखा है, यहाँ पर मैंने बटर मिल्क रख रखा है। तो इससे क्या है ना, एक तो ये बॉटल्स बहुत स्टर्डी है, इनका लुक भी बहुत अच्छा है एंड सिंस अगेन ये ग्लास की है तो ऑब्वियसली इसमें कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होता है, तो आप इसमें कोई भी चीज़ जो स्टोर करेंगे वो काफ़ी दिनों तक चलती है। सो डेफिनेटली आई थिंक यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ बॉटल्स। एक इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, अगर आप कोई भी ऐसा आइटम है जो पैकेजिंग में है एंड आप उसे वहाँ से निकाल के किसी और जगह पे स्टोर कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप उसमें ना उसके एक्सपायरी डेट मेंशन कर दें। इसके लिए आप उसे लेबलिंग से भी कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल मार्कर से भी उसे लिख सकते हैं। लाइक मैंने क्या किया है कि जो एग्स होते हैं वो मैंने नॉर्मल एग ट्रे से हटा करके ऐसे कुछ एग बास्केट में एग कंटेनर में रख दिए, तो मैंने यहाँ पर उसके जो भी एक्सपायरी डेट है प्रोडक्ट की वो मेंशन कर दिया जस्ट टू मेक श्योर कि हम बाकी के जितने एग्स हैं वो उससे पहले कंज्यूम कर लें एंड जिसमें डेट लिख रखी है ना उसको हम लास्ट में कंज्यूम करेंगे। इससे क्या होगा कि आप कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम नहीं करेंगे एंड आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। सो गाइज आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया है एंड येस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली बिकॉज इट रियली रियली हेल्प्स इन यूट्यूब एल्गोरिथम। एंड मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ एक नए एंड एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ऑर्गेनाइजेशन। टू द फोर्थ प्रोडक्ट इज दिस एग ट्रे, ये एक पूरी एग की बास्केट गिर जाता एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज दीज क्या है ये शेल्फ लाइनर्स। ओके।